नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की तहसील बीरो खाल के अंतर्गत बादल फटने और अतिवृष्टि के कारण स्टेट हाईवे 32 सहित अनेक मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जबकि कई गोदेर उफान पर हैं तथा भयावह रूप लिए हुए हैं। आज बुधवार को तकरीबन 4 बजे हुई अचानक मूसलाधार और तेज बारिश होने से जहां एक और गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी और कई गांवों के संपर्क मार्ग टूट गए, जबकि खेतों को नुकसान हुआ और तथा गदेरों के उफान पर आने से सड़कों या टूट चुकी हैं या फिर मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, जिस पर प्रशासन द्वारा नजर बनाए हुए हैं। जेसीबी भेजकर मार्ग खोलने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अतिवृष्टि की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान जिला आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया तथा तुरंत कार्रवाई करते हुए आपदा की टीम PWD तथा स्थानीय प्रशासन को जल्द से जल्द मार्गों को खुलवाने तथा अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने को लेकर निर्देशित किया गया। आपदा कंट्रोल रूम पौड़ी से मिली जानकारी के अनुसार मूसलाधार अतिवृष्टि और तेज बारिश के कारण सुखई व फारसाड़ी गांव का प्रभावित होना बताया जा रहा। साथ ही स्टेट हाईवे संख्या 32 के किलोमीटर 110 पर 30 मीटर सड़क गुड़ियल खील में वाश आउट होना, इसके अलावा किलोमीटर 9 से 11 के बीच 3 से 4 जगह पर मलबा आगे की जानकारी दी है। राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र बांगरियू के राजस्व ग्राम सुकई में बादल फटने से 20 घरों में पानी घुस गया और कुछ गौशाला में भी पानी भरना शुरू हो गया। जान माल के क्षति की अभी कोई सूचना नहीं है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी श्रीनगर इंचार्ज नूरपुर वर्मा को तत्काल प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना होने को कहा। साथ ही जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किए कि प्राथमिक तौर पर प्रभावित बताए जा रहे सुखाई व फरसाड़ी गांवों में आवश्यकता अनुसार प्राथमिक विद्यालयों या पंचायत घरों में ठहरने की व्यवस्था, फूड पैकेज, पेयजल व्यवस्था तथा डॉक्टर की एक टीम को रवाना करने के निर्देश दिए हैं। स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने तहसील बीरो खाल में तत्काल एक ऑपरेशन कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करने के निर्देश भी दिए। वहीं जिला मुख्यालय से आपदा रेस्क्यू वाहन, ड्रैगन लाइट व रिमोट एरिया लाइट, रेस्क्यू उपकरण, फूड पैकेट, पानी की बाल्टियां सहित रवाना किए। वहीं दूरस्थ क्षेत्र होने और विकट स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा तुरंत एक्शन के चलते अवरुद्ध मोटर मार्ग से मलबा हटाए जाने का कार्य गतिमान तथा जेसीबी से मौके पर मलबा हटाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। संवाददाता वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। कुछ नुकसान की खबर भी आ रही है सर, क्या कुछ ये सूचना मिली है सर आपको? आज अचानक से जो अतिवृष्टि हुई है बैजरों के आसपास के इलाके में, तो 4 गांव में कुछ क्षति की सूचना है। यहाँ पे जो हमारा स्टेट हाईवे है 32, उसके किलोमीटर 10-11 में भी 30 मीटर का स्ट्रेच जो है वो बह गया है। जिस संबंध में SDM को XCN PWD, साथ ही जो आपकी UPCL के XCN जल संस्थान और CMO और DSO को निर्देशित किया गया, तत्काल इसमें जो भी राहत संबंधी कार्रवाई की जानी उस पूरे इलाके में वो करने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया। और अभी तक किसी किस्म की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। कुछ सामान्य क्षतियाँ हैं तो उन्हीं को उन्हीं के अकॉर्डिंग आवश्यक कार्रवाई। मैं इसकी टीम और SDM भी अपने साथ में FDI और दूसरे लोगों को लेकर जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्थिति में नॉर्मल सी जल्दी से देख लिया जाए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।